योगी तो अपने शुद्ध स्वरूप में रहता, आत्म स्वरूप में रहता, तो वो भगवान ने कहा देखो इस योगियों की दो श्रेणी है, एक है आरुरुक्ष जो योग के सोपानों पे आगे चलना चाहता है, इसको कहते हैं आरुरुक्ष, आरूढ़ होने की जिसकी इच्छा बनी हुई है, योग की सीढ़ियों पर जो चढ़ना चाहता है उसको कहते कर्म जरूरी है, उसको एक्शन में रहना चाहिए, उसको एक्टिव रहना चाहिए, उसके लिए कर्म करना जरूरी है। योग में प्रारंभिक स्तर पर जब हम योग में आगे बढ़ना चाहते हैं, मन को एकाग्र करना चाहते हैं, उस समय हमें कुछ कर्मों का सहारा लेना पड़ेगा, कुछ क्रियाएं करनी पड़ेगी, जब ध्यान आदि करना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी आगे बढ़ रहे हैं, अभी हमारा योग में प्रवेश हो रहा है, योग में प्रवेश चाह रहे हैं, बढ़ना चाह रहे हैं, उस सीढ़ियों पर चढ़ना चाहते हैं, उसको कहते हैं आरुरुक्ष, उसके लिए कर्म जरूरी है। और जिसने वो सीढ़ियां पार कर ली, ऐसा जो साधक है उसको योगारूढ़ कहते हैं, योग में आरूढ़ होगा, अपनी लाइन पकड़ ली उसने, और फिर ऐसे लोगों के लिए क्षमा कारणम उच्चते, अब केवल उसको अपने मन की गतिविधियों पर कंट्रोल करना होता है, देखना होता है कि मेरा मन किधर जाए, गलत तो नहीं जा रहा, मेरा मन डीरेल तो नहीं हो रहा है, ये देखना है, बाकी उसको करना नहीं है। उसने मन को साध लिया है, साध करके फिर भी वो देखता रहेगा कि मेरा मन कहीं विचलित तो नहीं हो रहा है, उसको कहते हैं क्षमा, क्षमा मैंने शम, मन की शांति, मन का कंट्रोल, ये कारण कहा गया है, ये जरूरी है। भगवान कहते हैं जब साधक सब संकल्पों से रहित हो जाता है तो ऐसे साधक की योगारूढ़ अवस्था होती है, वो योग में आगे बढ़ गया। भगवान कहते हैं देखो हर व्यक्ति को अपने आत्मा के उद्धार का प्रयत्न करना चाहिए, जो हमारा आत्मा गर्त में पड़ा हुआ है, आप कहेंगे आत्मा तो गर्त में नहीं है, हम तो खा रहे हैं पी रहे हैं मस्ती ले रहे हैं, पैसा है बहुत है पुत्र पोत्र है, हम गर्त में कहाँ है, लेकिन भगवान कहते हैं तुम तो गर्त में हो, तुम्हें अज्ञान है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम तो काम करो लोग के वशीभूत हो, मर रहे हो पिस रहे हो, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये भी भगवान ने कहा बार बार जन्मते हो बार बार मरते हो, तुम कहाँ सुखी हो, दुख के घेरे में पड़े हो तुम। इसलिए भगवान कहते हैं हर व्यक्ति को चाहिए अपनी आत्मा का उद्धार करे और आत्मा को गर्त में न डाले, न आत्मानम अवसादये, अवसाद में न डाले, अवसाद मतलब पतन, अवसाद मैंने निराशा, अवसाद मैंने फ्रस्ट्रेशन, अवसाद मैंने विषाद, अर्जुन विषाद योग, पहला अध्याय जो है अर्जुन विषाद, अर्जुन को विषाद हो जाता, दुख हो जाता, अरे 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 मैं अपने गुरुजनों को मारूंगा, पृथ्वी के लिए, पृथ्वी के भोगों की प्राप्ति के लिए गुरुजनों को मारूंगा, ये तो बहुत गलत काम है, मैं पाप कर रहा हूँ, नहीं 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 मैं युद्ध नहीं करूँगा, दुख हो रहा है, अपने पे संताप हो रहा है, कितना ज्ञानी हूं, कितना पापी हूं, युद्ध करने के लिए तैयार हो गया हूं, अरे दो मिनट पहले तो बड़े सद्धत के युद्ध के लिए तैयार था, सारे उनको ऐसे मारूंगा, कर्ण को ऐसे मारूंगा, दुर्योधन को ऐसे मारूंगा, सारे संसार को तुमने एक है, एक कर दिया युद्ध के लिए, तो अब कह रहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा देखो भाई अनाचारी लोग बहुत बढ़ गए हैं, युद्ध नहीं करेगा तब भी मुझे इनको समाप्त तो करना, इसलिए वहां पर अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसको विषाद हो जाता है, उस अध्याय का नाम दिया है अर्जुन विषाद योग, अर्जुन को फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, विषाद हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, युद्ध नहीं करूंगा, दुखी हो जाता, दुखी है, दुखी होकर के धनुष बाण छोड़ दिया और सीट के नीचे बैठ गया चुपचाप शर्मिंदा होकर। दूसरे अध्याय में भगवान ने उसको आत्मज्ञान दिया,
आत्मा के बारे में बताया। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं वो दूसरा प्रकरण है, वो तो दूसरे अध्याय में चला गया। यहाँ भगवान एक सावधान कर रहे हैं हर जीव को कि देखो हर व्यक्ति को अपने आत्म विकास के लिए, आत्म उत्थान के लिए प्रयत्न करना चाहिए, इसको पतन में नहीं जाने देना चाहिए। पतन का मतलब होता है हम आत्म स्थिति से नीचे चले जाते हैं, पशुता में चले जाते हैं, पशु जैसा व्यवहार करने लगते हैं, उसको कहते हैं आत्मा का पतन होना। निम्न योनियों में चले जाना, पूर्व लोकों को न प्राप्त करना, तो ऐसा इसको कहते हैं आत्मा का पतन होना। तो भगवान कहते हैं ये नहीं चाहिए व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को। और कहते हैं आप स्वयं ही अपने बंधु हैं और आप स्वयं ही अपने शत्रु हैं। तुम्हारा शत्रु और मित्र दूसरा कोई नहीं है। कहने को हम मानते हैं ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, या भगवान कहते हैं कोई शत्रु मित्र तुम्हारा नहीं है। जिसने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया है वो अपना मित्र है, और जिसने अपने मन को बेकाबू कर रखा है, जिसका चित अत्यंत चंचल है, वही उसका अपना शत्रु है। ये यह भगवान कहते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं जिसने अपने मन को शांत कर लिया है, सुख दुख गर्मी सर्दी मान अपमान आदि को सह करके आत्मचिंतन से जो विचलित नहीं होता है वो प्रशांत आत्मा है, उसके आत्मा शांति को प्राप्त हो गया है, उसने अपने शरीर को इंद्रियों को बुद्धि को मन को जीत लिया है, वो जितात्मना है। ऐसा व्यक्ति फिर आगे योग में उन्नति पाता है। भगवान कहते हैं देखो जो योगी हो जाता है, जो योग की उपलब्धियां प्राप्त कर लेता है, सिद्धियां जिसको प्राप्त हो जाती है, वो फिर अपने आत्मा में स्थित रहता है। ऐसे लोग कैसे होते हैं, ऐसे योगी राज लोग, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कहते हैं उनको। सारे प्रकृति का ज्ञान होता है, पंचभूतों का ज्ञान होता है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये योगी के कंट्रोल में होते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं, पृथ्वी में नीचे जा सकते हैं, पृथ्वी के ऊपर पैदल चल सकते हैं, आग में कूद जाएं, हनुमान जी की तरह सूर्य को खा लें, है ना। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश उनका कंट्रोल रहता है, योगी तो कुछ भी कर सकते हैं, पंचभूतों का ना उनका पूरा पूरा अधिकार है। ऐसे योगियों को कहते हैं तत्वजयी भूत जयी, भूत मैंने पंच महाभूत, इनको जीत दिया है। हनुमान जी के चरित्रों में तो बहुत आता है, ऐसे वो उड़ने लगते हैं, कभी सूर्य को खा लिया उन्होंने, है ना, सुनते हैं आपके सूर्य को कैसे खाएंगे, खाने का मतलब यह है वो अग्नि जैसा अपने को बना लेते हैं, अग्नि तत्व पर उनका पूरा अधिकार है। इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं वो ज्ञान तृप्त आत्मा है, मटेरियल वर्ल्ड पर उनका पूरा पूरा अधिकार है। बड़े बड़े योगी राज सृष्टि बना लेते हैं, ब्रह्मा ने जो सृष्टि बनाई वही सृष्टि योगी राज लोग बना लेते हैं। हमारे गुरुदेव बताते हैं कि एक से एक से योगी हैं ऐसे हिमालय में जिन्होंने अपना संसार बनाया हुआ है, जैसे हम लोग यहाँ दिख रहे हैं स्त्री पुरुष आदि आदि, वैसे उन्होंने बना दिया। कैसे बनाया, मन के संकल्प से, मन की इच्छा से बनाया, लेकिन ये बहुत समझने में कठिन है। तो यहाँ भगवान कहते हैं ज्ञान तृप्त आत्मा है, प्रकृति उनके कंट्रोल में है, वो प्रकृति के अधीन नहीं है, प्रकृति से ऊपर चले गए हैं, क्योंकि उनका मन इतना पावरफुल है प्रकृति को अपने अंडर में कर लेता है, वो प्रकृति के अंडर में नहीं है, प्रकृति उसके अंडर में है, उसको कहते हैं ज्ञान तृप्त आत्मा। और आगे भगवान कहते हैं विज्ञान तृप्त आत्मा। विज्ञान का मतलब होता है जिसको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है, विशेष ज्ञान प्रकृति से ऊपर, जो सूक्ष्मतम वस्तु है, सूक्ष्मतम है आत्मा,
सबसे सूक्ष्म है आत्मा। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यो परम मना मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सा। बुद्धि से जो परे है उसको आत्मा कहा गया। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं विज्ञान, विज्ञान तृप्त आत्मा। मैंने आत्मज्ञान जिसको प्राप्त हो गया है उसको कहते हैं विज्ञान तृप्त आत्मा, और जिसने प्रकृति पर अधिकार लिया है कर लिया है वो कहते हैं ज्ञान तृप्त आत्मा। तो योगी दो प्रकार के हुए, एक होते हैं ज्ञान तृप्त आत्मा, विश्वामित्र जैसे थे वो ज्ञान तृप्त आत्मा, उन्होंने बुद्धि तरक्की कर ली, संसार बनाने की क्षमता कर ली, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी वो विज्ञान तृप्त आत्मा नहीं थे किसी काल में। वशिष्ठ जी ने कहा मैं तुम्हें ब्रह्मर्षि नहीं कहूँगा, अभी तुम्हारी वो योग्यता नहीं है, अभी तुम कैटेगरी में नहीं आए हो। बहुत दिनों तक तपस्या की, एक दिन वशिष्ठ ने कहा हाँ अब तुम जो है विज्ञान तृप्त आत्मा हो गए, तुमने क्रोध आदि सब खत्म हो गया, इच्छाएं तो खत्म हो गई, तुम्हारी इच्छा थी तुमने तप किया, तप के जो है बल से तुम्हें बहुत कुछ मिल गया, लेकिन तुम्हारी जो है ये शरारतें खत्म नहीं हुई, अब तुम्हारी शरारत खत्म हो गई, इसलिए अब तुम विज्ञान तृप्त आत्मा। तो एक दिन जो है वशिष्ठ जी ने कहा आइए ब्रह्मर्षि, पहले कहते राजर्षि, तो ये से है ना आता है शास्त्र वर्णन आता है। तो भगवान कहते हैं तो ज्ञान तृप्त आत्मा वाले योगी होते हैं, एक होते विज्ञान तृप्त आत्मा जिन्होंने आत्मा का दर्शन कर लिया है, खुली अपने अपने में प्रतिष्ठित है अपने आत्म स्वरूप में, ऐसे लोग होते हैं विज्ञान तृप्त आत्मा। कूटस्थो मायातीत है, प्रकृति के ऊपर है, गुणातीत है, माया का कोई प्रभाव इनके ऊपर नहीं होता, जब तक रहे तब तक शरीर में रहे, चाहे तो सृष्टि बना ले ब्रह्मा की तरह, मैंने जो कुछ करना चाहे कर सकते हैं, ये मायातीत है, माया का इन पर कोई असर नहीं होता, विजितेंद्रिया हैं अपने सब कंट्रोल में है मन बुद्धि आदि। तो भगवान कहते हैं ऐसा जो योगी है उसको युक्त योगी कहते हैं, उसकी संज्ञा क्या है युक्त योगी, वो परमात्मा से जुड़ा हुआ योगी, वो विज्ञान तृप्त आत्मा है, वही युक्त योगी है। ऐसा योगी उसकी दृष्टि में मिट्टी सोना पत्थर कोई मायने नहीं रखता, सब बराबर, सब उसके लिए मिट्टी ही मिट्टी है। क्यों? क्योंकि वो तो अपने संकल्प से कुछ भी कर सकता है, अब उसके लिए कोई भेद नहीं, सब मिट्टी मिट्टी, सोना भी मिट्टी है, चांदी भी मिट्टी है, हाँ आदि आदि सब उसके लिए मिट्टी के बराबर है, क्योंकि वो इसके ऊपर आ चुका है, ऊपर हो चुका है, और संकल्प से सब करने में वो समर्थ है। भगवान कहते हैं जब ऐसी स्थिति होती है उसके लिए वो सब के अंदर परमात्मा का दर्शन करता है, भेद बुद्धि उसकी खत्म हो गई है, सम बुद्धि हो गई, सब में आत्म तत्व का दर्शन करता है, साधु में सज्जन पुरुषों में भी परमात्मा को देखता है, पापी के अंदर भी परमात्मा को देखता है, साधु स्वपी जपापेशु, साधु में सज्जनों में और पापियों में भी परमात्मा तत्व का वो देखता है, इसलिए उसकी सम्बुद्धि है। ऐसा व्यक्ति गुणातीत व्यक्ति है, वो अपने स्वरूप में रहता है, उससे कोई किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता, विचलित नहीं होता, इसलिए भगवान कहते हैं ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए योगी को चाहिए। अब इसका उपाय बता, ये तो बता दिया स्थिति बता दी, कि संज्ञा भी बता दी उसको क्या कहते हैं, क्या स्थिति होती है, अब इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए कुछ निर्देश देते हैं, कुछ बातें बताते हैं। भगवान कहते हैं योगी को चाहिए एकांत में रहे, रहसी स्थिता योगी युजी सततम, साधना काल में निरंतर एकांत में रहकर के साधना करे, ध्यान करे, जब उसकी आत्मशक्ति प्रचंड रूप से प्रज्वलित नहीं हो जाती है तब तक वो साधना
करता रहे एकांत में बैठ करके, दुनिया के व्यवहार से दूर रहे, एकाकी यच्चित्तात्मा, एकाकी रहे यच्चित्तात्मा, अपने मन को कंट्रोल में करते हुए समाधि का निरंतर अभ्यास करे, निराशी संसार की कोई आशा न करे, अपरिग्रह कोई वस्तु इकट्ठा ना करे, संसारी कोई वस्तु को इकट्ठा ना करे, बस भोजन के बापे में भोजन कैसे करेगा, भोजन तो मिल ही जाता है, पत्ते पुत्ते खा ले कुछ भी कर ले, थोड़े मेहनत करने से भोजन का हो जाता है काम, कहते हैं अपरिग्रह, कुछ भी संग्रह न रहे, केवल अपने ध्यान में रहे, निराशी किसी से आशा ना करे, मुझे कोई ये दे दे, कुछ भी आशा रही तो करके बैठे अपने साधना में लगातार लगा रहे। और इसके लिए उसके क्या करना है, देखो सबसे पहले तरीका बताते हैं, कहते हैं शुद्ध जगह पे बैठ जाए, शुद्ध जगह पर बिल्कुल स्वच्छ हो, जहां मलमूत्र ना हो, ऐसे शुद्ध जगह पर अपने आसन लगाए, और स्थान कैसा हो, बहुत ऊंची जगह ना हो, बहुत नीची जगह ना हो, समतल हो, जमीन समतल हो, वहां पर अपने आसन को जमा ले। और आसन कैसे जमाए, चैलाजिन कुशोत्तरम, सबसे पहले कुशा, उसके बाद जो है एक कपड़ा, फिर मृगचर्म, तीन आसन बताए, कुशा ऊनी कम्बलादि और मृगचर्म, चैल आजिन कुशोत्तरम, सबसे पहले कुशा, फिर जो है गर्म कपड़ा, फिर रिगचर, ऐसा करके फिर अभ्यास में बैठे, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए योग साधना करे, ध्यान साधना करे। इसके लिए अपने काय को, शरीर को, गर्दन को, सिर को एक रेखा में रखे, समकाय शिरोग्रीवम, यानी सीधा बैठे, अपने बैक बोन को सीधा रखे, गर्दन को भी सीधा रखे और सिर को भी सीधा रखे, ये भगवान बताते हैं। धार्यं अचलम स्थिरा, स्थिरता पूर्वक से बैठे और आंख के सामने, अपने भ्रुकुटी के सामने अपनी नजर को गड़ाते हुए शांत से भ्रुकुटी को ही देखे, ये तरीका है। लेकिन जो साधक हैं, जो गुरु के शिष्य हैं, उनको जो गुरु ने बताया वही करना है। ये यहाँ भगवान एक सामान्य बात बता रहे हैं कि अपने मन को भ्रुकुटी के मध्य में स्थिर करे, इधर उधर न जाने दे, आत्म तत्व का चिंतन करे, ऐसा बैठ करके धीरे धीरे ऐसा बैठेगा तो उसको अभ्यास हो जाएगा। इधर उधर न देखे, नासिका के अग्रभाग में अपने मन को एकाग्र करके ध्यान में लीन रहे, प्रशांत आत्मा रहे, अपने चित्त को शांत रखे, किसी चीज का भय न माने, संयमित जीवन ब्रह्मचारी बने, और इस प्रकार से संयमित जीवन होकर के मेरे अधीन रहे। भगवान कहते हैं मुझ में अपने मन को लगाना प्रारंभ कर दे, मेरा ध्यान करना कर। इस प्रकार से ध्यान करता हुआ, अपने मन को कंट्रोल में करता हुआ योगी को निर्वाण पद की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है, और अंततोगत्वा वो मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाता है, वो मेरे परम धाम में जाने के लिए योग्य हो जाता है। और देखो अर्जुन, इससे पहले कुछ और भी बातें हैं जो साधक को ध्यान में रखनी चाहिए। अर्जुन, बहुत खाने वाले व्यक्ति को योग सिद्ध नहीं होता, जो पेट भर के खा लेता है, बस हिलने डुलने की भी सामर्थ्य ना हो, बढ़िया माला मिल गया, जलेबी मिल गई तो ठूस लिया, पूरा चार दिन का एक ही बार में खा लिया, अब उसके तो सांस भी नहीं आ रहे, थोड़ी देर में चूरण दीजिए। भगवान कहते हैं ऐसे योग भैया, ऐसे लोग योग में सफल नहीं होते, थोड़ा खाइए। जो बहुत इंद्रियार्थेषु न कर्म स्वानुशच्यते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढस्तदुच्यते
उदरे आत्मन आत्मानम् न आत्मानम् अवसादये आत्मेयात्मनो बंधु आत्मैर्विपुरात्मना बन्धुरात्मा आत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना चितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते आत्मैव शत्रुवत् आत्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा भूतस्थो विजितेन्द्रियः युक्तिति उच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृद्मित्रायुदासेन मध्यस्थाद्वेष्वबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थिता एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीरपरिग्रह शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनमात्मना नात्युच्छ्रितं नातिनीचम् चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रेकाग्रं मना कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायाशिरो ग्रीवम् धार्यन्नचलं स्थिरा सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रम् स्वं दिशश्चानावलोकयन् प्रशान्तात्मा विगद्भिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मना संयम्य मज्जितो युक्त आसीत् मत्परा युञ्जने मम सदात्मानम् योगी नियतमानसा शान्तिं निर्वाणपरमा मत्संस्थाम् अधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगो अस्ति न चेकान्तम् अनश्नता न चाति स्वपनशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वपन्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्ति
इति उच्यते तदा युक्ते इति तदा यथा दीपो निवातस्थो यथा दीपो निवातस्थो नेन्दते सोपमा स्मृता नेन्दते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना युञ्जतो योगमात्मना यत्रो परमते चित्तम् यत्रो परमते चित्तम् निरुद्धम् योग सेवया निरुद्धम् योग सेवया यत्र चेवात्मना आत्मानम् यत्र चेवात्मात्मानम् पश्यन् आत्मनि तुष्यति पश्यन् आत्मनि तुष्यति सुखम् आत्यान्तिकम् यत्तद् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियम् वेति यत्र न चैवायम् वेति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वता यं लब्ध्वा चापरं लाभम् मन्यते नाधिकं ततः मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंगितम् योगं योगसंगितम् साधिश्चेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा योगो अनिर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषता त्यक्त्वा सर्वान् शेषता मनसेवेन्द्रिय ग्रामम् मनसेवेन्द्रिय ग्रामम् विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेद बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मना कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलम् अस्थिरम् मनश्चञ्चलम् निस्तरम् ततस्ततो नियम्य एतद् ततस्ततो नियतो आत्मन्नेव वशं नये आत्मनेव वशं नये प्रशान्तमनसं ह्येनम् योगिनं सुखम् उत्तमम्
अर्जुन उवाच अयति स
श्रद्धयोपेतो योगाचरितमानसा अप्राप्य योग संसिद्धिम् ताम गतिं कृष्ण गच्छति तच्चिन्नो विद्नो भय विभ्रष्टा चिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पति एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुम् आहार्यस्य शेषता तदन्या संशयस्य अस्य चेता नयुपपद्यते श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेयनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणचित् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमदाम्गे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्हि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगम् लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ गुरु नंदन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवश्वपि सा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मादिवर्तते रत्नाद्यतमानस्तु प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषा अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यपि मतो अधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मान् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठो अध्याय श्री गुरु चरणार्पणम् अस्तु।